तो सर सुनना ध्यान से आज एक नया डिस्कशन आज एक नया दिन एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग आज डिस्कशन जो करना है हमें वो करना है उस टॉपिक का नाम है जिस जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सर वो पॉलिटिकल टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आज से पहले आपने बहुत बारी सुना होगा ठीक है कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स ये वो होता है आई मीन फंडामेंटल राइट ऐसा होता है फंडामेंटल राइट्स को रट लो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपने बहुत बारी पढ़ा होगा सर ठीक है बहुत बारी पढ़ा होगा बहुत बारी सुना होगा बहुत, हो बहुत, हो बहुत कुछ बहुत कुछ देखा भी होगा ठीक है बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स बताते हैं पर आई होप आप लोगों ने कभी इसका हिस्ट्री को समझने का कोशिश नहीं किया होगा कि ये फंडामेंटल राइट टॉपिक कहां से आया ये फंडामेंटल राइट ये जो वर्ड है ये वर्ड्स क्या कहना चाहता है ठीक है ठीक है तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे आज का जो क्लास रहेगा वो डेडिकेशन रहेगा पूरा डेडिकेटली आ, हम लोग डेडिकेटली टॉक करेंगे बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है इसका हिस्ट्री क्या है सर इस ये इसका ऑरिजिन कहां से हुआ फंडामेंटल राइट जो वर्ड है इस वर्ड का मायने क्या है ठीक है तो आज पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज हम लोग कोई अनुच्छेद नहीं कहाँ पे फंडामेंटल राइ, राइट है ठीक है कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है कहाँ पे क्या है कोई कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे बस हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं सर जैसे कि आप लोग इस वर्ड को देख रहे हैं ये वर्ड है सर फंडामेंटल एंड दो वर्ड्स ये जो वर्ड बना हुआ है ये दो वर्ड से बना हुआ है एक वर्ड है इसमें फंडामेंटल और दूसरा वर्ड है राइट ठीक है ये जो फंडामेंटल वर्ड है ये आपको दो वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा सर एक वर्ड दिख रहा होगा फंडामेंटल

मतलब मैं मतलब पूछूंगा और आप लोग मुझे क्या बोलेंगे कि राइट का हिंदी क्या है सर अधिकार चलो एक्सेप्टेड अधिकार हक जैसे एक वाइफ का हक होता है सर हस्बैंड पे जैसा एक जैसा एक माता पिता का हक होता है सर बच्चे पे जैसा हस्बैंड का हक होता है साली पे आई एम सो सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे चलो ठीक है तो सर अधिकार हक ये सब वर्ड्स आपने सुना होगा ठीक है राइट का जो हिंदी होता है राइट राइट या फिर राइट जो जो भी बोलो का जो हिंदी होता है वो होता है अधिकार अधिकार Now, ये अधिकार वर्ड हमारे समाज 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 में क्या हमारे समाज में में आया कहां से क्या क्या ये ये हमारे अधिकार वर्ड या फिर राइट्स वर्ड क्या हमेशा से था हमारे हिस्ट्री में ये जो राइट वर्ड है क्या हम लोग जो राइट के बारे में जो बात करते हैं क्या ये राइट हमेशा से हमारे सोसाइटी में था हमेशा से हमारे समाज में था ये आज से बहुत साल पहले अगर हम लोग हजार डेढ़ हजार मिलियन साल पहले एक बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जब हम लोग का जोरासिक पीरियड था जोरासिक पीरियड था सर उस वक्त राइट्स रहा होगा क्या राइट्स जैसा वर्ड कुछ रहा होगा क्या सर नहीं रहा होगा तो हमें कहीं ना कहीं राइट right वर्ड का जो ओरिजिन हुआ ये राइट right आया कहां से मतलब कॉन्सेप्ट एक डेवलप्ड सोसाइटी में राइट्स राइट वर्ड का ऑरिजिन uh, कहां से हुआ इस चीज को समझना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हम लोग फंडामेंटल वर्ड का मतलब समझेंगे कि फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट राइट वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ और उसके बाद फंडामेंटल राइट फंडामेंटल को समझने का कोशिश करेंगे तो समझते हैं सर राइट वर्ड को सुनना ध्यान से आज से बहुत साल पहले बहुत साल पहले अराउंड टूल हंड्रेड एडी में टूएल्व हंड्रेड एडी एडी समझते हैं आप लोग एडी बी एडी बी सी समझते हैं आप लोग सर हाँ जी एडीबीसी समझते हैं आप लोग समझते हैं सबको समझता है चलो कोई बात नहीं जो नहीं समझता उसके लिए सर जिस वक्त जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस वक्त को रेफरेंस मान के उस वक्त के बाद जो भी डेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोडोमिनी एनोडोमिनी एडी और इस बर्थ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो टाइम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बीसी बीसी बिफोर क्राइस्ट ठीक है सर इसको एडी को ना बहुत लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं कॉमन एरा कॉमन एरा भी बोलते हैं सीई बोलते हैं सीई भी सुना होगा और बीसी को बिफोर क्राइस्ट को हम लोग बीसीई भी बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा तो ये हम लोग जो है टाइमिंग टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए यूज करते हैं ये जो आ, ये जो नोमेनक्लेचर तो सर 1200 एडी का बात कर रहे हैं हम लोग 1200 एडी में अगर हाँ, उस वक्त के समाज को हम लोग देखने का कोशिश करें तो उस वक्त का जो समाज था ना वो एक डॉक्टराइन को मानता था डॉक्टराइन मतलब होता है आइडिया डॉक्टराइन मतलब होता है कॉन्सेप्ट ठीक है जैसे आपने कभी ना कभी पॉलिटी में सुना होगा डॉक्टराइन ऑफ सेवरेबिलिटी डॉक्टराइन ऑफ समथिंग ठीक है डॉक्टराइन ऑफ कॉमन मैरिज या फिर डॉक्टराइन ऑफ सोलो गैमी जैसे अभी सोलो गैमी बहुत चल रहा है सर ठीक है तो हमारे अभी अभी जैसे अभी हाल फिलहाल का अगर आप न्यूज देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन चल रहा है कि जो सेम सेक्स हैं, ठीक से वो लीगलाइज को डॉक्टर की, I mean की मतलब समाज, समाज तरफ बढ़ रहा है डॉक्टर तो सेम सेक्स मैरिजेस डॉक्टर का मतलब होता है आइडिया ठीक है आइडिया कॉन्सेप्ट तो अगर हम लोग बारह एडी को देखें ना तो बारह एडी में एक सर, डॉक्ट्राइन uh, हुआ करता था उस डॉक्ट्राइन का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन ऑफ़ ऑफ़ डिवाइन पावर डिवाइन पावर कहता क्या था सुनना ध्यान से ये जो आइडिया था ये जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त के समाज में ये ये क्या कहता था ये कहता था जो राजा है ना वही भगवान है ये क्या कह रहे हैं आप जी हां ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर है ना सर ये कहना कहता था कि जो राजा है वही भगवान है जो राजा है वो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का वो भगवान का दूत है वो उसका जन्म ही हुआ है क्योंकि भगवान ने उसे भेजा है हम सबके ऊपर राज करने के लिए और वो भगवान का ही दूत है इसी के लिए जो राजा बोलेगा वही कानून होगा जो राजा बोलेगा वही सत्य होगा जो राजा बोलेगा वही ट्रूथ होगा जो राजा बोलेगा वही सर आ, आपका सही वचन है बाकी जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है मतलब सबसे सुपीरियर सबसे डिवाइन कौन है सर हमारा राजा है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर यही कहता था कि सबसे डिवाइन डिवाइन का मतलब होता है सर सबसे सुपीरियर सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे समाज में कौन है सर हमारे समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे डिवाइन कौन है किंग है किंग क्यों किंग ऐसा क्यों है क्योंकि उस वक्त के समाज में यह माना जाता था कि किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का वो भगवान का दूत है सर वो भगवान का ही रूप है जो यहाँ पे मनुष्य रूपी भगवान है हमारे पृथ्वी में इसीलिए किंग जो है वो डिवाइन है और वो जो बोलता है सर वही कानून है मतलब किंग से ऊपर कुछ नहीं राजा से ऊपर कुछ नहीं कानून भी नहीं क्योंकि किंग ही स्वयं में कानून है किंग अगर किसी को बोलेगा राजा अगर किसी को बोलेगा कि तुम इधर आओ और इसको फांसी दे दो इस पर्टिकुलर वो जो फलना इंसान है वो रिंकिया के पापा को पकड़ के लाओ रिंकिया के पापा को पकड़ के फांसी में चढ़ा दो सर रिंकिया के पापा को फांसी में चढ़ा दिया जाएगा क्यों क्योंकि रिंकिया के पापा का कोई औकात नहीं है सर राजा के सामने कानून का कोई औकात नहीं है राजा के सामने राजा ही कानून है ऐसा समाज था सर ऐसा डॉक्टर चलता था डॉक्टर ऑफ डिवाइन पावर ठीक है डॉक्टर ऑफ डिवाइन पावर ऐसे चलता था सर इससे इससे प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी समाज में सुनना ध्यान से देखो जब भी किसी समाज में पावर जो है पावर जो है है कंसंट्रेटेड होता ना किसी एक इंसान के पास पावर रहता है ना तो वो पावर मिस करता है कभी भी किसी भी समाज में सर किसी भी समाज में देख लो फॉर एग्जाम्पल आज के ही समाज में देख लो अगर सब पावर, हर का पावर अगर प्रधानमंत्री को मिल जाए हमारा देश में सर अराजकता फैल जाएगा अगर अभी हमारे समाज में ही अगर सब पावर हर चीज का पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा अराजकता फैल जाएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप क्योंकि डेमोक्रेसी में आज के बाद आज के बाद कभी, कभी इलेक्शन ही नहीं होगा मतलब हम ही लास्ट तक बने रहेंगे प्रधानमंत्री मतलब सर कभी भी पावर का कंसंट्रेशन होता है ना पावर का कंसंट्रेशन हमारे समाज के लिए किसी भी समाज के लिए बहुत ही ख़राब होता होता है है। है है, और पावर का का हमेशा होता है। For example, जब East India Company था था तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी हिस्ट्री। हिस्ट्री में चीज़ बताया जाता कि कि जो East India Company है, East India Company का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि वो लोग को कंसंट्रेट करने का कोशिश कर रहा था जैसे आपने सुना होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सर पावर दिया जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे का इससे क्या हो रहा है सर सर गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे को गवर्नर जनरल ऑफ कोलकाता को या फिर बंगाल को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ज्यादा उसको पावर दिया जा रहा है पावर का कंसंट्रेशन हो रहा है उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सर गवर्नर जनरल अह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद लाया जाता है ठीक है उसके बाद फिर विद्रोह होता है सर 1857 का 1857 का विद्रोह होता है क्यों होता है 1857 का विद्रोह होने का एक बहुत बड़ा रीजन था कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो सर 1200 एडी में 1200 एडी में जो किंग था वो पावर्स का बहुत ज्यादा मिसयूज करता था क्यों नहीं करे ऑबवियस ही बातें करेगा अब सोच लो अभी सोच लो जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन आपको पूरे इंडिया का पावर मिल जाए आपको पूरे इंडिया का पावर मिल जाए आपको जो मन में आएगा वो कर सकते हो अब बताओ क्या-क्या करोगे सर पहले तो जाएंगे उससे शादी करेंगे सर उसके घर पे जाके उसको जेल भेजेंगे उसने मेरे साथ बहुत खराब किया है उसको जेल भेजेंगे उसको मृत्यु मतलब, आप क्या करोगे क्यों कहीं कहीं, बन गया, गया। क्योंकि किंग जो है वो अपने पावर का बहुत ज्यादा मिस करने लगा था किंग जो है वो अपने पावर का बहुत ज्यादा मिस करने लगा था ठीक है इससे इससे प्रॉब्लम क्या हुआ इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा

हमारे समाज में होगा रेक्स लेक्स रेक्स लेक्स सर ये जो रेक्स लेक्स या फिर लेक्स रेक्स ये वर्ड को मैं पहले भी समझा चुका हूं आज फिर समझा रहा हूं ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब वर्ड्स अगर आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे ना देन यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स बिकॉज बाकी लोग ये सब पॉइंट का वर्णन नहीं करेंगे ठीक है सुनना ध्यान से सर रेक्स रेक्सलेक्स वर्ड जो है रेक्स लेक्स वर्ड जो है रेक्स लेक्स इस वर्ड को अगर आप देखें तो मैंने उस दिन भी बताया था कि रेक्स मतलब होता है किंग रेक्स वर्ड का मतलब होता है किंग और लेक्स वर्ड का मतलब होता है लॉ सर अगर आप 1200 एडी के टाइम को देखें ना तो उस वक्त कैसा समाज था उस वक्त समाज था रेक्स लेक्स का मतलब किंग इज द लॉ किंग इज द लॉ किंग इज द लॉ सर राजा ही कानून है राजा से सर्वप्रिय कोई नहीं है राजा के ऊपर कोई नहीं है राजा से डिवाइन कोई नहीं है ठीक है तो सर डिवाइन ऑफ डिवाइन पावर यही कहता था कि किंग जो है वही भगवान है वो भगवान का दूत है और राजा के ऊपर कोई नहीं है राजा जो है वो डिवाइन है और उस वक्त का का सोसाइटी सोसाइटी जो था वो था वो रेक्स लेक्स दैट किंग इज द लॉ किंग इज द लॉ समझ में आया सबको रेक्स लेक्स वर्ल्ड का मतलब समझ में आया ठीक है तो मैंने आपको बताया कि सर ये जो ये जो सिस्टम था ये जो सिस्टम था इस सिस्टम की वजह से बगावत हो गया इस सिस्टम को क्योंकि बात है सर अगर अगर कोई प्रेशर प्रेशर देते जाएगा तो वो सेफ्टिक वोल्ब कभी ना कभी तो फटेगा वो प्रेशर कुकर में अगर कोई सेफ्टिक वोल्व नहीं है तो वो प्रेशर कुकर कभी ना कभी तो फटेगा जैसे अठारह में जो फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था सर तो पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ क्यों क्योंकि इतना ज्यादा सप्रेस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारतीयों को कि वो गुस्सा फटा और वैसे ही गुस्सा फटता है तो सर यही गुस्सा फटता है 1215 एडी में जब ब्रिटेन के राजा या फिर इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन किंग जॉन सर ये जो किंग जॉन था ना ये अपने पावर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था ये अपने पावर को बहुत ही ज्यादा आर्बिट्रली मिस कर रहा था और क्यों ना करे क्यों ना करे क्योंकि सर कंसंट्रेशन ऑफ पावर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आता है कोई व्यक्ति जिसको कंसंट्रेशन का मतलब नहीं समझ में आता है सर कंसंट्रेशन का मतलब होता है सब पावर एक जगह जुट जाना सब पावर एक जगह जुट के है कंसंट्रेटेड है एक एक इंसान के पास है पूरा पावर पावर जो है वो पूरा सेंट्रलाइज्ड है ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ पावर लीड टू द यूज ऑफ पावर इन अ आर्बिट्ररी मैनर और एंबिगस मैनर क्या मतलब होता है सर आर्बिट्ररी एंड एंबिगस मनमानी से आर्बिटरी और एम्बिग्युअस का मतलब होता है मनमानी पावर का यूज किया जाएगा सर किसके द्वारा राजा के द्वारा और ये जो आर्बिटरी और एम्बिग्युअस यूज ऑफ पावर लीड्स टू लीड्स टू रिवोल्ट विद्रोह कहीं ना कहीं सर राजा अपना पावर को आर्बिटरी मैनर में यूज करता रहेगा एम्बिग्युअस मैनर में यूज करता रहेगा तो क्या हो जाएगा सर समाज में समाज कभी ना कभी तो विद्रोह करेगा और

किसी भी टाइप का राइट नहीं देता था ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ राइट राइट का मतलब क्या होता है राइट right का मतलब होता है क्लेम्स ऑफ समथिंग ओवर समवन। समवन। क्लेम्स ऑफ़ समथिंग ओवर सर, राइट या फिर अधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति का क्लेम किसी दूसरे व्यक्ति पर या फिर एक चीज का क्लेम एक व्यक्ति का क्लेम किसी दूसरे चीज पर सुनना इसका मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है सर मंटू एक लड़का है मंटू और इसकी बीबी -बी है सोनी सोनी सुनना ध्यान से इसकी बीबी -बी है ये मंटू है सर इसकी बीबी -बी है सोनी इन दोनों का शादी होता है बड़ा धूमधाम से सब कुछ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था अब ध्यान से सुनना सोनी जो है वो कहीं देखती है डायमंड का नेकलेस डायमंड का नेकलेस डायमंड का नेकलेस अब ध्यान से सुनना सोनी एक हाउसवाइफ है सर और मंटू जो है ऑब्वियसली बात है काम कर रहा है ठीक है अब सोनी को ये डायमंड का नेकलेस चाहिए सोनी किसके ऊपर किस किससे किसके कि, कि, किस ऊपर अधिकार जताएगी किसको बोलेगी कि हमको ये डायमंड का नेकलेस चाहिए अपने पापा को किसको बोलेगी सर अपने पापा को बोलेगी हां जी किसको बोलेगी गवर्नमेंट को बोलेगी गवर्नमेंट मुझे ये नेकलेस दिला दो तो मंटू को बोलेगी मंटू हमरा की ये नेकलेस दिला दे ठीक है मुझे ये नेकलेस दिला दो यार प्लीज दिला दो क्यों क्योंकि मुझे ये नेकलेस चाहिए ठीक है मुझे ये नेकलेस चाहिए ठीक है सर ये सोनी क्या कर रही है सोनी क्या कर रही है मंटू के ऊपर अधिकार जमा रही है मंटू के ऊपर राइट्स जमा रही है सर इससे भी अच्छा एग्जाम्पल देते हैं सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से एक दिन ना मंटू से गलती से मंटू ना गलती से बोल दिया अरे पायल एक गिलास पानी लेके आओ अरे पायल एक एक गिलास पानी लेके आओ सोनी को बोल दिया अरे पायल एक गिलास पानी लेके आओ ठीक है तब तक सोनी बोलती है पानी वानी तो ठीक है पहले ये बताओ पायल कौन है पहले ये बताओ पायल कौन है और सर पूरे घर में एकदम हाहाकार मच गया पूरा पूरा मंटू को तो एकदम पटक पटक के मारी उसके बाद सोनी ठीक है उसके बाद पटक पटक के मंटू को सोनी मारती है सर सोनी क्यों मारी मंटू को क्योंकि सोनी के पास क्या है अधिकार है राइट है सर सोनी के पास राइट है ठीक है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट सर सोनी जो है वो क्लेम कर रही है सोनी जो है क्लेम कर रही है कि अरे मंटुआ तू हमार बा तुम मेरा है तुम मेरे सामने तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम किसी और का नाम लिया तुम तुम्हारा मजाल कैसा हुआ कि तुम मेरा नाम लिया आई I मीन mean, किसी और का नाम लिया मेरे सामने तो तु, मतलब तुम्हारे पास इतना इतना दम कहां से आया हिम्मत कहां से आया कि तुम किसी और का नाम मेरे सामने ले पा रहे हो सर क्या कर रहा है दिस इज अ क्लेम ऑफ समथिंग ओवर सम राइट का मतलब होता है आप क्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए किसी से सर किसी समाज में जो लोग होते हैं जो पीपल होते हैं जो लोग होते हैं वो क्लेम करते हैं अपने अधिकारों के लिए किसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर वो गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम करते हैं कि हमें ये सब चीजें क्यों नहीं मिल रही है फॉर एग्जाम्पल आज के समाज में भारत के समाज में सर आजकल देखते होंगे आपकी अः मीडिया को बहुत परेशान किया जा रहा है मीडिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है सर एन लगा दिया जा रहा है जो भी बैकग्राउंड है जो भी बैकग्राउंड है पर आप एनएसए वगैरह एनएसएस का नहीं लगाना चाहिए कि अगर किसी मीडिया पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है दैट मीन वॉट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है राइट टू स्पीच छीना जा रहा है सर राइट टू स्पीच छीना जा रहा है सर राइट टू स्पीच किसने दिया राइट टू स्पीच हमारे संविधान ने दिया और इसका हनन कौन कर रहा है ये कौन छीन रहा है ये हमारा गवर्नमेंट हमसे छीन रहा है तो आप किसके ऊपर क्लेम करोगे कि ये वाला चीज मुझे वापस दो सर गवर्नमेंट के ऊपर सर आप इसको क्लेम कर रहे हो दैट इट इज अ राइट वो एक अधिकार है क्या आपको राइट का मतलब समझ आया क्या आपको अधिकार का मतलब समझ आया कि राइट इज नथिंग बट अ क्लेम ऑफ अ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट अगर इसको अच्छे परिभाषा में देखा जाए तो राइट का मतलब होता है के ऊपर जब सिटीजन अधिकार करे अधिकार जताए क्लेम जताए, तो सर वही क्या होता है राइट right होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आप लोगों ने अः मेडिक्लेम वगैरह का फैसिलिटी सुना है मेडिक्लेम या फिर कभी आप लोगों ने सुना है कि आप uh, कोई बंदा रहता है जो एक एम एनसी में काम करता है उसके पास कार्ड रहता है सर मेडिकल कार्ड रहता है कभी भी कुछ भी खर्चा हो मेडिकल का फॉर एग्जाम्पल दस हजार रुपया खर्चा हो तो वो वो अपने कार्ड पे के ऊपर क्लेम करता है कि देखो मेरा दस हजार रुपया खर्चा हुआ है हमको दस हजार दो दस हजार दो तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लेम समझ में आता है क्लेम का मतलब कि सर आप किसी के ऊपर क्लेम कर रहे हो आप बोल रहे हो कि अरे ये चीज मेरा अधिकार है मुझे वापस करो ठीक तो, right. है तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लेम दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट समझ में आया तो सर राइट right जो है तो हमारे कहानी पर वापस आते हैं कि किंग जॉन जो है ये लोगों को राइट नहीं देता था किंग जॉन जो है वो अपना मनमानी किया जा रहा था अपना सब कुछ कर रहा था सर पावर को यूज कर रहा था अपना मनमानी कर रहा था कि हम ये भी कर लेंगे हम वो भी कर लेंगे और वो कॉमन पीपल के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था उसको एकदम नाली का कीड़ा समझता सर कॉमन लोगों को ठीक है तो कभी ना कभी तो गुस्सा फटने वाला था तो सर अब क्या हुआ कॉमन लोग का भड़ास फट गया और कॉमन लोग भिड़ गए किंग जॉन से किंग जॉन से सर बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह हुआ और फाइनली जो युद्ध है वो टाई हो गया कोई नहीं जीता इन दोनों में से कोई नहीं जीता अब जब भी युद्ध वगैरह टाई होता है ना तो दोनों पार्टी के बीच में ट्रीटी साइन होता है ट्रीटी साइन होता है ट्रीटी साइन होता, होता है कि देखो भैया हम लोग दोनों हम लोग दोनों एक दूसरे से भिड़ गए अब हम लोग दोनों में से कोई नहीं जीता तो हम लोग एक शांति शांति का ट्रीटी साइन करेंगे और उसी वक्त जीवन में सबसे पहली बार ट्रीटी साइन हुआ ट्विटी ऑफ मैग्ना काटा ट्विटी ऑफ मैग्ना काटा ट्विटी ऑफ मैग्ना काटा साइन हुआ ट्विटी ऑफ मैग्ना काटा और सर इस ट्विटी में क्या बोला गया कि जो पीपल्स हैं जो सिटीजन हैं या फिर जो लोग हैं आपके टेरिटरी में उन लोगों को राइट्स मिलना चाहिए उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए सर पूरे विश्व में पूरे विश्व में सबसे पहली बार पूरे विश्व में राइट के बारे में बात किया गया पूरे विश्व में पहली बार राइट के बारे में बात किया गया पूरे विश्व में पहली बार राइट के बारे में बात किया गया मतलब पूरे विश्व में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहली बार राइट के बारे में कब बात किया गया सर इस वक्त बात किया गया इस वक्त इस वक्त के पहले समाज में राइट right जैसा वर्ड कुछ नहीं था अधिकार जैसा वर्ड कुछ नहीं था इसीलिए सर मैगना काटा जो है ना मैग्ना काटा को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको आ, इसको सर हम लोग बिग बैंग बोलते हैं लीगल वर्ड में लीगल लीगल जो दुनिया होती है ना उसमें बिग बैंग बोलते हैं बिग बैंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से अधिकार जैसा चीज का शुरुआत हुआ अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये जो राइट है इसका मतलब क्या बहुत सारा राइट दे दिया क्या क्या बहुत सारा अधिकार मिल गया क्या लोगों को नहीं सर उस वक्त के लोगों को कंडीशनल राइट मिला थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत राइट मिला सर कंप्लीट राइट नहीं मिला अगर आप मुझसे पूछोगे आज का जो फंडामेंटल राइट्स है वैसा कोई फंडामेंटल राइट मिला क्या नहीं वैसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला परंतु राइट वर्ड का ओरिजिन हुआ अधिकार वर्ड का ओरिजिन हुआ क्या आपको समझ में आया कि अधिकार वर्ड हमारे दुनिया में कहां से आया सर हमारे दुनिया में अधिकार वर्ड आया 1215 में बाय द ट्रीटी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा

क्या आपको समझ में आया कि ये जो अधिकार वर्ड है ये जो राइट वर्ड है ये कहां से आया पूरे विश्व में पूरे विश्व में ये चीज कहां से आया हाँ जी सबको क्लियर है ठीक है चलो नेक्स्ट सर ये जो राइट वर्ड आया इसके साथ साथ और पता है क्या हुआ मैग्ना कार्टा में इसके साथ साथ ये बोला गया कि देखो भैया किंग जो है राजा जो है ये कोई भगवान वगैरह नहीं है राजा जो है ना ये कोई ईश्वर नहीं है मतलब सबसे ज्यादा डिवाइन जो हम लोग बोल रहे थे सर ये जो डिवाइन से बोल रहे थे कि भगवान राजा जो है वो भगवान का रूप है राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा कुछ नहीं है मैग्ना काटा की ट्विटी में ये भी बात किया गया कि किंग जो है वो भगवान नहीं है किंग के ऊपर भी कुछ है सर किंग के ऊपर कौन है किंग के ऊपर है कानून लॉ जो है वो किंग के ऊपर है मतलब ये कहा गया मैग्ना कार्टा के बाद मैग्ना कार्टा साइन होने के बाद यह कहा गया कि कानून के सामने सब बराबर हैं राजा भी और कॉमन जनता भी क्लियर है मतलब देखो दुनिया कैसे बदल गई दुनिया जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर इसी चीज को पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं रेक्स इसी चीज को पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं रेक्स देखो दुनिया कैसे बदल गई सर डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर डॉक्टर ऑफ डिवाइन पावर चल रहा था सर बारह सौ ईस्वी में कि भगवान भगवान कुछ नहीं है सर भगवान राजा ही भगवान है राजा जो बोले वही कानून है पूरे समाज में चल रहा है रेक्स लेक्स किंग इज राजा ही कानून है राजा के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन देखो एक ट्वीटी, एक युद एक युद्ध हुआ हुआ उसके बाद एक ट्विटी साइन हुआ और उस ट्विटी ने सब कुछ बदल दिया सबसे पहला चीज बोला कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है सर कानून जो है वो सबसे डिवाइन है कानून के नजर में किंग भी सेम है और पीपल भी सेम है और यह कहा कि लोगों को राइट मिलना चाहिए पहली बार पूरे विश्व में राइट वर्ड का यूज किया गया अधिकार वर्ड का यूज किया गया और सर वैसा समाज जहां पे कानून सबसे ऊपर होता है वैसे समाज को हम लोग किंग ऑफ द किंग लॉ इज द किंग ऑफ द किंग कानून ही राजाओं का राजा है कानून जो है वो सबसे ऊपर है सबसे सुपीरियर कौन है कानून है और जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सर याद कीजिए प्रियम्बल का तो जो रिपब्लिक वर्ड था उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि लेक्सरेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है ठीक है? हिस्ट्री समझ आया जल्दी से हाँ या ना बोलो भाई बाकी लोग बैठे हुए सबको समझ आया राइट वर्ड कहां पर आया अब सुनना ध्यान से सर आप लोगों में से बहुत कोई सुने होंगे मतलब फ्यूचर UH! तो में भी हम लोग देखेंगे पर हमने रटा होगा सर बैठ के फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं फंडामेंटल राइट को मैग्ना सर क्यों बोलते हैं सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है ना सर जो मैग्ना कार्टा ट्विटी हुआ ना सर यहीं से राइट वर्ड का ओरिजिन हुआ है यहीं से अधिकार वर्ड का ओरिजिन हुआ है और हमारे फंडामेंटल राइट right को मैग्ना कार्टा हम लोग इसीलिए कहते हैं इन अ इन अ ट्रिब्यूट ऑफ दैट इंसिडेंट उस इंसिडेंट के ट्रिब्यूट में हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट right को को मूल अधिकार सर मैग्ना कार्टा कहते हैं ठीक है थीके? तो मैग्ना कार्टा हम फंडामेंटल राइट right को इसीलिए कहते हैं और फ्यूचर में इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आई होप आपको राइट right वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि राइट right वर्ड हमारे समाज में कहां से आया इसका हिस्ट्री क्या था क्या नहीं था ठीक है चलो सुनना ध्यान से सर फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल वर्ड का माने क्या समझते हैं फंडामेंटल माने क्या होता है कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल माने क्या होता है सर मौलिक चलो एक वर्ड आया मौलिक मौलिक और कोई फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है क्या हुआ बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं क्या प्रॉब्लम है ये सब क्या पता था आप लोगों को कुछ नया नहीं मिल रहा है? हाँ जी फंडामेंटल मतलब क्या होता है सर मूल कह सकते हैं हम लोग मूल फंडामेंटल मौलिक मूल सुनना ध्यान से अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को मुझे बता पाएगा गुड सेल सेल को कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में सर फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारे जीवन का हमारे जीवन का मूल तत्व क्या है सर, सेल है। हमारा पूरा बॉडी हमारा पूरा सिस्टम हमारा पूरा इन्वायरमेंट किस चीज से बना हुआ है सर सेल से बना हुआ है रॉबर्ट होक साहब ने कहा था दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल सर समथिंग विच समथिंग समथिंग विच अफेक्ट योर लाइफ इफ इट इजन अवेन इट इज फंडामेंटल वो हर चीज जो आपसे दूर हो जाए और उस वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है आप अपना जीवन व्यापन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज जो आपसे दूर लेके गया उस गया, चीज को हम लोग फंडामेंटल कहते हैं उस चीज को हम लोग मूल चीज कहते हैं मौलिक चीज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर आज आपके पास ये राइट है कि आप पूरे इंडिया में भी आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं जहां मन आपका आता है वहां पर आप आंध्र प्रदेश जाओ केरला जाओ कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर ये कानून बना दिया जाए कि सर झारखंड के लोग केरला नहीं जा सकते झारखंड के लोग आंध्र प्रदेश नहीं जा सकते और मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कोई आपका रिलेटिव है जिसका जिसका तबियत खराब है सर अब बताओ आप कितना गुस्सा आएगा सर लास्ट वक्त में हम अपने हम अपने फैमिली को देख भी नहीं पाए हम अपने रिलेटिव को देख भी नहीं पाए सर वो जो राइट आपसे छीना गया उससे क्या हो रहा है आपके एग्जिस्टेंस में यूश्यू आ रहा है आपके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हर चीज जो आपके एग्जिस्टेंस में इश्यू पैदा करे वो हर चीज जिसको आपसे छीन लिया जाए अगर अगर आपसे वो चीज छीन लिया जाए तो वो आपके एग्जिस्टेंस पे बात आ जाए वो हर चीज मूल चीज है वो हर चीज मौलिक चीज है मतलब फंडामेंटल मींस इट इज द बेसिक यूनिट इट इज अ बेसिक यूनिट फॉर योर सर्वाइवल अगर वो चीज आपसे छीन लिया जा रहा है देन इट विल अफेक्ट योर एग्जिस्टेंस वो आपके एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट करेगा वो आपके एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट करेगा और अगर वो चीज आपको मिल जाए तो आप इजली एग्जिस्ट कर सकते हो आप इजली अपना जीवन व्यापन कर सकते हो सर फंडामेंटल का मतलब यही होता है वो हर चीज जो आपके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखे जो आपके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखे दैट इज फंडामेंटल इज इट क्लियर सर, फंडामेंटल राइट ये दो वर्ड से बना हुआ है फंडामेंटल एंड राइटिस्टेंता है राइट फंडामेंटल राइट आर द राइट दैट इंसोर देंस ऑफ दिटीजन दैट इंस्योर दस ऑफ दीपल इज इट क्लियर टू एवरीवन वॉट इज फंडामेंटल राइट सर अधिकार फंडामेंटल राइट right जो है ये मौल मूल अधिकार है ये मौलिक अधिकार है जि, जिन अधिकारों के वजह से सिटीजन का नागरिक का एग्जिस्टेंस उनका एग्जिस्टेंस uh, uh, है उसका है कि मतलब वो लोग एग्जिस्ट करेंगे उनके एग्जिस्टेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा इज इट क्लियर टू एवरीवन फंडामेंटल राइट का मतलब समझ में आया सर फंडामेंटल वर्ड क्या क्या मतलब है राइट right का राइट right वर्ड जो था ये का ओरिजिन क्या था ये समझ में आप लोगों को जी हाँ कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ आया आगे और ये चीजें होंगी आगे और अभी चीजें क्लियर होंगी तो यहां तक जो मैंने बताया वो जी सर आप लोग कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हैं पैसा लगता है मुझे भी बता दो फिर मैं वही मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं बुलेट ट्रेन के बस ठीक है बढ़ते हैं सर आगे सुनना ध्यान से सर जी हाँ तो सर फंडामेंटल राइट right, ये जो वर्ड है ये हमारे समाज में अः कहा से आया हमने तो ये समझ लिया कि राइट वर्ड कहाँ से आया अच्छा एक बात बताओ जल्दी बताओ सर मैग्ना काटा जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मैग्ना काटा जो है ये पहली बार पूरे विश्व में फंडामेंटल राइट लोगों को दे रहा था ट्रू या फॉल्स ये क्या सही है कि गलत है सर झूठ बोल रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं आप ट्रू कैसे बोल रहे हैं आप ट्रू कैसे बोल रहे हैं आप ट्रू यही चीज यही चीज कैसे ट्रू बोल रहे हैं आप कैसे राइट बोल रहे हैं मेरा क्वेश्चन सुनो मैग्ना काटा जो है ये पूरे विश्व में सबसे पहली बार सबसे पहली बार लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रहा था ट्रू या फॉल्स? सर फंडामेंटल राइट्स बोला मैंने सर मैग्ना कार्टा को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया कि वो लोगों को सिर्फ राइट्स दे रहा था और वो राइट right भी कंडीशनल राइट्स था कंडीशन के साथ था वो जो अधिकार मिल रहा था वो कंडीशन के साथ मिल रहा था बहुत सारे कंडीशन के साथ मिल रहा था सर मैंने आपको यह भी बोला उस वक्त जब मैं चर्चा कर रहा था कि सर ये जो राइट्स मिल, मिल रहा है ना वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जब ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा साइन किया गया था क्या वो फंडामेंटल राइट दिया गया था उसके मदद से नो no, सर फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया था कंडीशनल राइट दिया गया था दैट मीन क्या कंडीशनल राइट का मतलब क्या होता है सर हां जी डेट भी है पंद्रह छे पंद्रह छे, छे बारह सो पंद्रह पंद्रह छह बारह सो पंद्रह ठीक है पंद्रह छह बारह सो पंद्रह में ये ट्विटी साइन हुई थी ठीक है याद रखना बारह सो पंद्रह इस दिन को इस डेट को आपका ट्विटी साइन हुआ था ठीक है पंद्रह छह बारह सो पंद्रह सर कंडीशनल राइट्स का मतलब क्या होता है ये समझो कंडीशनल राइट्स मतलब ये क्वेश्चन अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया वरना तो आप लोग तो वही जिला हिला के आ जाते हैं आप लोग चलो सुनना ध्यान से सर कंडीशनल राइट का मतलब क्या होता है सर वैसे राइट जो सबको नहीं मिल रहे हैं किसी किसी को मिल रहा है किसी किसी को नहीं मिल रहा है किसी किसी को मिल रहा है किसी किसी को नहीं मिल रहा है कंडीशनल राइट का मतलब यो होता है कि सर एक वर्ग को वो इज इट क्लियर दैट मीन्स वॉट मैग्ना काटा आफ्टर दूटी ऑफ द वर्ड राइट इन टू द राइट दर्ड राइट कम्स इन टू द्ले

कहीं ना कहीं से यह भी ओरिजिन क्या होगा क्या आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट सबसे पहली बार किस कंट्री ने पूरे विश्व में लाया था आई मीन फंडामेंटल राइट जो है इस चीज का चलन पूरे विश्व में किस कंट्री ने लगाया था किसी को पता है कोई जानता है इसके बारे में चलो सर कोई बोल रहा है रशिया कोई बोल रहा है चाइना कोई बोल रहा है कुछ कोई बोल रहा है कुछ एंड ये क्यों हो जा रहा है ऐसे सो देखते हैं हम लोग हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज को समझने का ठीक है सर जो हमारा समाज है हमारे समाज में हमारे समाज में हमारे समाज में, हमारे समाज में हर चीज का किसी ना कोई ना कोई चीज ऑरिजिन है हमारे समाज में हर चीज का ओरिजिन है हमारे समाज में हर चीज का हिस्ट्री है सर चार जुलाई 1776 इस दिन यूएसए अपना फाउंडेशन डे मनाता है सर इस दिन यूएसए समझता है कि हम आजाद हो गए अपना फाउंडेशन डे वगैरह मनाता है सर यूएसए जो है ना ये पहला कंट्री है जिसने संविधान बनाया जिसने लिखित संविधान बनाया लिखित कॉन्स्टिट्यूशन बनाया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सर यूएसए ही वो पहला देश है जिसने पूरे विश्व को प्रियम्बल का महत्व समझाया प्रियम्बल क्या होता है ये समझाया प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया पूरे विश्व में यूएसए नहीं लेकिन एक चीज सुनना जब यूएसए का संविधान लिखा गया था ना उसमें फंडामेंटल राइट्स बोल के कुछ भी नहीं था ये क्या बोल रहे हैं आप मैंने तो पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट यूएसए ने दिया था मैंने कहा बोला कि आपने गलत पढ़ा है पर मैं आपको यह कहने का कोशिश कर रहा हूं कि जब यूएसए ने अपना संविधान लिखा उस वक्त फंडामेंटल राइट बोल के उनके संविधान में कुछ भी नहीं था मतलब एक चीज क्लियर कर लो कि यूएसए का ओरिजिनल संविधान में जो संविधान लागू हुआ जो संविधान लिखा गया उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स बोल के कोई भी टॉपिक नहीं था कोई भी भाग नहीं था कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था फंडामेंटल राइट बोल के उनके ओरिजिनल संविधान में तो सर कहां से आया तो सुनना ध्यान से एक, एक भाई साहब थे जिनका नाम था थॉमस जेफरसन सर ये founding fathers थे जिन्होंने को फाउंड किया ठीक है ये इन्वॉल्व थे सर USA का foundation में तो इनका नाम था जेफरसन थॉमस जेफरसन सर ये जो थॉमस जेफरसन थे ये बहुत बहुत टेंशन में रहते थे अब काहे का रहते थे सर ये लोग बड़ा लोग है बहुत हम लोग किस चीज का टेंशन लेते हैं अरे पानी आज नहीं आया लेट आया अरे टंकी नहीं फुल हुआ अरे यार वो हमको ऐसा बोल दी हम उसको कुछ बोलने हम लोग ये का टेंशन लेकिन ये लोग बड़े लोग हैं ये लोग अलग टेंशन लेते हैं ध्यान से इनका टेंशन क्या था सर इन्होंने बोला कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख तो लिया लेकिन इसमें एक लूप होल है एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सुनना ध्यान से अच्छा एक बात बताओ हमारा गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलता है भारतीय गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलता है हमारे हमारे हमारा जो सरकार है इसको पावर कहां से मिलता है आज का समाज जो है हमारा जो आज का जो गवर्नमेंट है इसको पावर कहाँ से मिलता है सर हमारे संविधान से हमारे संविधान में सर लिखा हुआ है कि एमपी का पद होगा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एमएलए का पद होगा सर हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट होंगे अगर हमारे संविधान में नहीं लिखा रहता तो इन लोग का कोई वैल्यू होता जी हाँ कोई वैल्यू होता कोई कोई वैल्यू नहीं होता इन लोग के पास पावर कहां से आया सर हमारे संविधान से आया हमारे संविधान मतलब से आया मतलब सर संविधान क्या करता है संविधान गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है सर संविधान गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है पावर संविधान गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है संविधान जो है वो गवर्नमेंट को ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है संविधान जो है वो वो हमारे गवर्नमेंट को ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं संविधान हमारे गवर्नमेंट को यह कहता है कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो इन सब चीजों का करने का ऑथोरिटी है तुम्हारे पास लेकिन एक बात समझो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संविधान जो सिर्फ बता रहा है गवर्नमेंट को कि तुम ये सब चीज कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट को यह नहीं बता रहा है कि देखो तुम ये सब चीज नहीं कर सकता है ये सब चीज तुम करने का कोशिश भी मत करना ये सब चीज तुम नहीं कर सकता है ऐसा संविधान सही होगा कि ऐसा संविधान सही होगा जो गवर्नमेंट को सिर्फ बोल रहा है कि तुम अथॉरिटी तुम्हारे पास अथॉरिटी है तुम ये सब चीज कर सकता है इसका मतलब क्या सुनना ध्यान से फॉर एग्जाम्पल हमारा संविधान लेटेड भी उस यूएसए के संविधान की बात कर रहा हूँ मैं वो वाला संविधान जिसमें फंडामेंटल राइट right बोल के कुछ नहीं था तो यूएसए का संविधान जो था वैसे ही गवर्नमेंट को पावर दे रहा था गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहा था कि तुम सब चीज कर सकता है तो यूएसए का जो गवर्नमेंट था उसने एक लॉ बनाया लेट इट बी के एक लॉ बनाया और बोला कि आज के बाद जो ब्लैक पीपल होंगे वो स्ट्रीट्स में घूमते हुए नहीं दिखेंगे स्ट्रीट्स में घूमते हुए नहीं दिखेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं आप अच्छा एक बात बताओ उनका संविधान है उनका संविधान गवर्नमेंट को पावर दे रहा है और ये कह रहा है कि ये ये चीजें हैं जो तुम कर सकते हो और आराम से कर सकते हो गवर्नमेंट को कोई लिमिटेशन नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट का लिमिटेशन क्या है गवर्नमेंट को बोल रहा है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है तुम करो जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को लिमिटेशन नहीं बता रहा है इसका गलत फायदा क्या होगा सर गवर्नमेंट अपने मन में जो आएगा वो चीज करेगा उसके मन में जो आएगा वो चीज करेगा ऐसा ही हो रहा था सर यूएसए में भी ऐसा ही हो रहा था यूएसए में भी सर हमारा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कर रहा था अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा था लेकिन उसके गवर्नमेंट को ये नहीं बता रहा था कि तुम्हारा लिमिटेशन क्या है तुम क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो अब लिमिटेशन प्रोवाइड करने का जरूरत है अच्छा एक बात बताओ क्या किसी भी समाज में ऐसा लॉ सही है किसी भी समाज में ऐसा कानून सही है बताना मुझे किसी भी समाज में ऐसा कानून सही है सर नहीं है ऐसा कानून किसी भी समाज के लिए बहुत ही खराब है बहुत ही मतलब निंदनीय है निंदा करना चाहिए ऐसा कानून का लेकिन संविधान उन्हें पावर दे रहा है सर संविधान उनको अपना लिमिटेशन बता ही नहीं रहा तो वो बना रहे हैं इसी चीज को लेके थॉमस जेफरसन टेंशन में सर थॉमस जेफरसन का टेंशन ये था कि थॉमस जेफरसन ये रह, सोच रहे थे कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बोल तो रहा है कि तुम्हारे पास ये ये पावर है ये तो गवर्नमेंट को बता रहा है कि तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो लेकिन हमारा संविधान ये नहीं बता रहा गवर्नमेंट को कि तुम क्या चीजें नहीं कर सकते हो तुम क्या चीजें नहीं कर सकते हो तुम क्या चीजें नहीं कर सकते हो ये चीजें बता ही नहीं रहा है मतलब गवर्नमेंट को यह नहीं बता रहा है कि तुम्हारा लिमिटेशन कहां है तुमको कहां रुकना है तुमको क्या चीजें नहीं करनी है ये बता ही नहीं रहा इस चीज का टेंशन में थे और उस वक्त थॉमस जेफरसन ने सोचा कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट जैसा होना चाहिए फंडामेंटल राइट का पार्ट भी होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को लिमिटेशन बताए गवर्नमेंट को अपना औकात बताए कि देखो तुम्हारा लिमिटेशन यहीं तक है इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते सर फंडामेंटल राइट ऐसा क्या होता है सुनना ध्यान से फंडामेंटल राइट right, वैसा राइट right होता है फंडामेंटल राइट right, वैसा राइट right होता है फंडामेंटल राइट right वैसा राइट right होता है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है या फिर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर फ्रॉम द स्टेट फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप इस चीज को हम लोग थोड़ा देर बाद और अच्छे से समझेंगे हमारा, हमारा आर्टिकल चौदह अगर आपने कभी सुना होगा तो नहीं सुना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्टिकल चौदह जो है वो बोलता है इक्विलिटी बिफोर लॉ मतलब सर आप गरीब हो अमीर हो आप कुछ भी हो आप कानून के सामने समान हो समान है ठीक है मान लो कि ये वाला आर्टिकल हटा दिया गया ये वाला आर्टिकल हमारे संविधान में रहता ही नहीं अब एक बात बताऊं, एक गरीब वर्ग का इंसान जो कि रिक्शा चला रहा है और इसके साथ कुछ गलत हुआ क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसको कभी जस्टिस मिलेगा इसको कभी न्याय मिलेगा अगर हमारे संविधान में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है तो सर कभी नहीं मिलेगा सर ये जो गरीब वर्ग का बंदा है ये जो गरीब वर्ग का लड़का है गवर्नमेंट क्या इसको प्रताड़ित नहीं करेगा सर करेगा क्यों गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है यार स्टेट बहुत पावरफुल है स्टेट जो है ये बहुत पावरफुल है स्टेट के मन में कुछ भी आएगा वो कर सकता है सर स्टेट के अंदर पुलिस भी आती है आपको क्या लगता है पुलिस पावरफुल नहीं है सर पावरफुल है ना अब स्टेट का मतलब ना आप लोग बहुत दिन से सुनते होंगे स्टेट क्या है स्टेट क्या है कल या परसों की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा स्टेट क्या है ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है वो भी समझा दूंगा ठीक है अभी के लिए बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ाट करो जो एक्सटेंड ना माइंड अप में जितना बोल रहा हूं तो राइट right right, जो है ये लिमिटेशंस बताता है गवर्नमेंट को कैसे लिमिटेशंस बताता है सुनना ध्यान से. सर अभी मैंने आपको समझाया राइट वर्ड का मतलब क्या होता है राइट right वर्ल्ड का मतलब क्या होता है अधिकार राइट right वर्ड का मतलब क्या होता है क्लेम याद आ रहा है क्लेम ऑफ समवन याद है सर वो कहानी याद है कि मंटू पायल का नाम ले लिया तो सोनी बोली तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पायल का नाम लेने का सर क्या कर रहा था वो क्लेम कर रहा था सर यही क्लेम जो है यही क्लेम जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था यूएसए का संविधान इसी क्लेम को लोगों को नहीं प्रोवाइड किया था फंडामेंटल राइट को लोगों को नहीं प्रोवाइड किया था इसीलिए थॉमस जेफरसन जो थे ये बहुत टेंशन में रहते थे ठीक है ये बहुत टेंशन में रहते थे उन्होंने राइट बताया ही नहीं कि लोगों का क्या अधिकार है और जब तक लोगों को अपना अधिकार नहीं पता चलेगा वो अधिकार कैसे जताएंगे अपने गवर्नमेंट के ऊपर वो लोगों को उनका अधिकार पता ही नहीं चलेगा तो वो अपने सरकार पे क्लेम कैसे करेंगे वो अपने सरकार पे क्लेम नहीं कर सकते सर तो ये एक एक लूप होल था, था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि थॉमर जेफरसन को समझ में आया जब उनका संविधान लागू हो गया अमेरिका में एक बात बताओ, एक बात बात बताओ, बताओ, ध्यान से आज आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आज आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ठीक है हमारा जो फंडामेंटल राइट right है उसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बोलता है कि आपके पास बोलने का अधिकार है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप मीडिया से हो या फिर कहीं से भी हो किसी भी जगह से हो गवर्नमेंट का कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लगा और आपने उसके खिलाफ लिखा आपने उसके खिलाफ लिखा ठीक है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो 2G घोटाला किया था याद है कभी ना कभी 2G घोटाला किया था उसके खिलाफ मीडिया ने प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत कुछ लिखा बहुत कुछ लिखा सर उस लिखने के कारण क्या हुआ ये जो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट है ना ये एकदम ऐसे बैठ गया एकदम चुप्पी में यार इतना ये लोग मेरा बेजती कर दिया अब एक बात बताना मुझे सर अगर प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास पास राइट टू तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता बोलने का अधिकार नहीं होता तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर कभी इतना निंदा हो पाता नहीं हो पाता कभी नहीं हो पाता एक सेकंड, अब वो हम लोग जब पढ़ेंगे ना टॉपिक रहने दो उधर अभी स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जाएंगे तब मतलब इसको मत ध्यान दीजिए जो मैं कहना चाहता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए रुकिए थोड़ा सर मीडिया वाले आके बोलते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे हम कुछ भी लिख दें और लिखते भी हैं क्या गवर्नमेंट जाके उसको पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों लिख रहा है तुम मेरे बारे में तुम टू घोटाला हुआ तुम इसके बारे में क्यों लिखा पूछ सकता है सर नहीं पूछ सकता है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट का लिमिटेशन है सर गवर्नमेंट का ये लिमिटेशन है कि तुम ये चीज नहीं कर सकते यू कैन नॉट डू दिस आप ऐसा नहीं पूछ सकते बिकॉज इट इज अ राइट ये एक अधिकार है एंड यही अधिकार लोग क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये मेरा अधिकार है यू कैन नॉट टेक इट अवे अब एक बात बताओ आपको समझ में आया कि ये जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को अपना लिमिटेशन बता रहा है गवर्नमेंट को ये समझा रहा है गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा है वॉट यू कैन नॉट डू व्हाट यू कैन नॉट डू क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं सुनना ध्यान से से सुनना लास्ट एग्जाम्पल है के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग सुनना तो ध्यान से सर मान लो कि गवर्नमेंट ने एक कुआ बनाया एक, एक कुआ बनाया और इस कुआ में ऐसा कानून बनाया कि जो एस सी के लोग हैं वो इस कुआ से पानी नहीं पी सकता है नहीं पी सकता है अब सोचो सब एस सी वाले आ गए और आके बोले कि नहीं हम यही कुआं से पानी पिएंगे और वो लोग पी रहे हैं गवर्नमेंट बोलता है कैसे तुम लोग पी रहा है यार हम हम कानून बनाए थे सुप्रीम कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे वाले, और सुप्रीम कोर्ट ये ये कानून को रद्द कर देगा क्यों क्योंकि ये कानून जो है ये अनुच्छेद पंद्रह अनुदह के खिलाफ है अब ये पंद्रह सत्रह क्या उसमें मत जाना अनुच्छेद या फिर कह लो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ है सर, गवर्नमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि ये गलत क्यों है नहीं पूछ सकता सर क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलेगा कि सर ये अधिकार है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कि आप उसके साथ नहीं कर सकते। अगर पब्लिक फंड से कोई भी कोई भी काम हो रहा है पब्लिक फंड से अगर कुआं खोदा जा रहा है तो उस पब्लिक फंड का यूज उस पब्लिक प्लेस का यूज किसी भी जाति वर्ग किसी भी धर्म का इंसान उसको कर सकता है किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है आप उसको रोक नहीं सकते मतलब सर गवर्नमेंट को क्या बताया जा रहा है वॉट यू कैन नॉट डू वॉट यू कैन नॉट डू आपको क्या यह बात समझ में आया कि अधिकार जो है राइट जो है इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच और वी कैन से इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन इंपोज लिमिटेशन ओवर द गवर्नमेंट और ओवर द स्टेट हम लोग उससे लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं स्टेट के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर क्या ये बात समझ में आती है आपको जी हाँ क्या ये बात समझ में आती है आपको अब एक बात बताना कोई भी कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट ये चाहेगा खुद से वो किसी को राइट दे वो किसी को अधिकार दे कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट ये चाहेगा कि वो खुद से अधिकार दे वो नहीं चाहेगा क्यों क्यों नहीं चाहेगा सर वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि अगर हम अधिकार किसी को दे रहे हैं मीन्स क्या हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं लिमिट कर रहे हैं हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं और याद करो उस कहानी को जब हम लोग जब हम लोग डॉक्टर पावर पढ़ रहे थे सर उस वक्त लोगों के पास अधिकार नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि किंग किसी को अधिकार देना ही नहीं चाहता था क्यों क्योंकि अगर वो अधिकार देगा तो वो अपने आप को ही क्या करेगा रेस्ट्रिक्ट करेगा अपने आप को ही क्या करेगा लिमिटेशन में बाउंड करके कर रखेगा इसीलिए सर जब राइट right का राइट right बोल के कोई भी चीज आया मैग्ना कार्टा आया तो लोगों को लोगों को तो बहुत मजा आया कि हम लोग को राइट right मिलने वाला है लेकिन जो किंग है वो बहुत रोया था सर एक महीना तक रोया था क्यों क्योंकि राइट्स का एक और डेफिनेशन हो गया राइट्स का एक और डेफिनेशन हो गया दैट राइट्स आर द लिमिटेशन राइट्स आर दी लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट कह सकते हैं कि हम क्या हम लोग इस चीज को कह सकते हैं हम लोग जी हाँ कह सकते हैं समझ में आया तो सर थॉमस जेफरसन जो थे थॉमस जेफरसन जेफरसन जो थे वो सर इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि राइट नहीं प्रोवाइड किया गया था राइट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया था लोगों को इससे तो इससे इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो 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 जाएगा? जाएगा? जाएगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट जो है वो छुट्टा करेगी वो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल देगी, कुछ भी करेगी तो एक प्रॉब्लम हो गया था यूएसए के संविधान में और उसको ओवरकम भी किया गया इससे पहले एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं सुनना ध्यान से क्या आपको प्रीवियस क्लास याद है कि मैंने एक चीज लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट याद है पिछले क्लास में मैंने एक, एक कथन लिखा था स्टेटमेंट लिखा था डेमोक्रेटिक गिमिटेडरस्टेंड नाउ की मैंने ऐसा क्यों लिखा था सर एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में हमेशा अधिकार दिया जाता है हमेशा अधिकार दिया जाता है और अधिकार जैसे ही प्रोवाइड हो गया सर गवर्मेंट क्या आ गया

कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक लिमिटेड बन जाता है तो सर थॉमस जेफरसन साहब का ये टेंशन था कि हम लोग को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना चाहिए हमारे लोगों को ताकि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड फॉर्मेट में आए और जो सोसाइटी है वो एक वेल सेटल्ड वेल डेवलप्ड सोसाइटी हो ताकि यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी अपने अधिकार को एंजॉय कर सके अपने अपने जीवन यापन को अच्छे से सुनिश्चित कर सके और गवर्नमेंट भी अच्छे से वर्क कर सके ठीक है इस चीज को इस चीज के लिए थॉमस जेफरसन बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे थे और थॉमस जेफरसन चाहते थे कि लोगों को फंडामेंटल राइट लेकिन जेम्स मेडिसन जेम्स मेडिसन ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ थॉमस जेफरसन का बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ ठीक है और इसने यूएसए के पार्लियामेंट में पेश किया बिल ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स सर बिल ऑफ राइट्स क्या था ये फंडामेंटल राइट right था ये फंडामेंटल राइट right था बिल ऑफ राइट क्या था सर फंडामेंटल राइट right था इस बिल को पेश किया गया यूएसए का पार्लियामेंट में और यूएसए के पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया ये बिल पास हो गया ठीक है और उसके बाद यूएसए के संविधान में एक अमेंडमेंट लाया गया यूएसए के संविधान में एक अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के बाद ठीक है, उस अमेंडमेंट के बाद, फंडामेंटल राइट्स का क्लॉज़ेस ऐड किया गया यूएसए के संविधान में सर यूएसए का संविधान का पहला दस मतलब फर्स्ट से लेकर दस वन से टेन तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यूएसए के संविधान में है वही अमेंडमेंट्स यूएसए का फंडामेंटल मतलब राइट अगर एग्जाम में कभी आपसे आपसे कोई पूछे, आप पूछे, इंटरव्यू में आंसर राइटिंग या फिर गलत है झूठ बोल रहे हैं आप उसके ओरिजिनल फंडामें ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं था यूएसए के संविधान को संशोधन करके उसमें बिल ऑफ राइट एड किया गया और यूएसए का जो संविधान यूएसए का संविधान का जो संशोधन नंबर एक से लेके दस तक जो संशोधन है वही है सर हमारा यूएसए का फंडामेंटल राइट right और यहीं से पूरे विश्व में फंडामेंटल राइट right नामक चीज का फैला हुआ पूरे विश्व में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट टॉपिक उठा ओरिजिन हुआ ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट सबसे पहला ये चीज सर ये बिल ऑफ राइट्स है क्या फंडामेंटल राइट आर गारंटीड राइट फंडामेंटल राइट्स। आर गारंटीड राइट है सर। गारंटीड मतलब क्या इट कैन नॉट बी टेकन अवे इसको आप छीन नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स। आर गारंटीड राइट्स और सुनना ध्यान से सर मैग्ना काटा को याद करना मैग्ना काटा क्या लोगों को गारंटीड राइट्स प्रोवाइड कर रहा था हाँ जी क्या लोगों को गारंटी नो सर फंडा मैग्ना काटा जो है वो लोगों को कंडीशनल राइट्स प्रोवाइड कर रहा था लेकिन अब जाके पूरे विश्व में सबसे पहली बार पूरे विश्व में सबसे पहली बार बात किया गया गारंटीड राइट्स के ऊपर सर फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स पूरे विश्व में सबसे पहली बार बात किया गया कि गारंटेड राइट्स क्या होता है क्या आपको यह बात समझ में आया ठीक है क्या ये बात समझ में आया नेक्स्ट सर जो फंडामेंटल राइट्स है ये करता क्या है सर फंडामेंटल राइट अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो फंडामेंटल राइट right का डेफिनेशन क्या होगा फंडामेंटल राइट आर राइट्स विच आर

ये लोगों को प्रोवाइड किया जाता है सर और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये जो गारंटीड राइट्स है लोग इसको क्लेम कर सकते हैं ओवर द स्टेट अपॉन द स्टेट स्टेट के खिलाफ इसको यूज कर सकते हैं लोग ताकि उनका एग्जिस्टेंस सुनिश्चित रहे ताकि वो इजली एग्जिस्ट कर पाए ताकि वो इजिली एग्जिस्ट कर पाए इज इट क्लियर अब आपको कभी मेंस में अगर आंसर राइटिंग में आ जाए कि सर फंडामेंटल राइट right का ओरिजिन क्या था कहां से फंडामेंटल राइट ओरिजिन किया कहां से फंडामेंटल राइट वर्ड आया किस देश, किस देश ने फंडामेंटल राइट right या फिर गारंटीड राइट right के बारे में सबसे पहली बार चर्चा किया क्या कि वो हर चीज लिख सकते हैं आप जी हाँ क्या हर चीज आप लिख सकते हैं ना बोलो यार बैठा हुआ मैं चलो जी हाँ, सबसे पहली बार पूरे विश्व में राइट वर्ड का अधिकार वर्ड अधिकार वर्ड का वर्णन कब हुआ था ऑरिजिन कब हुआ था राइट वर्ड जल्दी बताओ राइट वर्ड का कब हुआ था अधिकार सब ब्रिटेन में हुआ था कौन सा ट्रीटी आफ्टर दी ट्रीटी ऑफ मैगना काटा मैग्ना काटा सर इस वक्त जो राइट प्रोवाइड किया गया था जो लेक्सरेक्स का सिस्टम लाया गया था उस वक्त जो राइट था वो क्या गारंटीड राइट right था नो सर कंडीशनल राइट था कंडीशनल राइट right था। चलो पूरे विश्व में गारंटीड राइट right के बारे में किस देश ने चर्चा किया और पूरे विश्व को किसने सिखाया कि गारंटीड राइट right जैसा कुछ है यूएसए क्योंकि यूएसए ही वो पहला कंट्री था जिसने पूरे विश्व को फंडामेंटल राइट बताया कि फंडामेंटल राइट right क्या होता है चलो नेक्स्ट सर फंडामेंटल राइट right जो है जो यूएसए के संविधान में हम आज देख पाते हैं क्या ये यूएसए के ओरिजिनल संविधान में था नो no, नहीं था सर फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए के संविधान में अमेंडमेंट करके लाया गया है संशोधन करके लाया गया है सर यूएसए का जो फर्स्ट से दस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन से लेकर टेन तक जो अमेंडमेंट्स हैं वही यूएसए का फंडामेंटल हैं है ठीक है सर यूएसए वो पहला कंट्री था जिसने पूरे विश्व को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझाया और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पहला कंट्री था जिसने लिखा यूएसए ही वो कंट्री था जिसने पहली बार पूरे विश्व में प्रियम्बल लिखा ठीक है इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएसए का फंडामेंटल राइट एंड भारत का फंडामेंटल राइट सुनना ध्यान से सर इंडिया का जो संविधान है क्या इंडिया के संविधान ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल राइट का चर्चा था जी हाँ आप लोग जानते होंगे इस चीज को क्या इंडिया के संविधान में का इंडिया में जो ओरिजिनल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ क्या उस वक्त यूएस इंडिया के संविधान में फंडामेंटल राइट right का था जी हाँ यूएसए के संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं ओरिजिनल संविधान में क्या फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट था जी हाँ था ठीक है सर, right था। right था। right था? हाँ था। याद रखेंगे ये चीज यही डिफरेंस है सर इंडिया के संविधान में और यूएसए के संविधान में नेक्स्ट सर यूएस इंडिया ने अपने फंडामेंटल राइट right का जो कॉन्सेप्ट है इसको किस देश से बोरो किया था इसको किस देश से बोरो किया था सर यूएसए से किया था यूएसए से किया था ठीक है याद रखेंगे सर और यूएसए के ओरिजिनल संविधान में क्या फंडामेंटल राइट right का कॉन्सेप्ट था नहीं था चलो सुनना ध्यान से सर सर व्हाट इज फंडामेंटल राइट व्हाट इज फंडामेंटल राइट तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था व्हाट इज फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट वो अधिकार है वो क्लेम है जो कि स्टेट से प्रोटेक्ट करता है लोगों को लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है मंटू ये अपने दुकान चला रहा है मान लेते हैं इसका ना दुकान था इसका दुकान है सर छोला भटोरा का ये छोला भटोरा बना रहा है आराम से खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है सब खा रहा है आराम से जी रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अचानक से इसके दुकान में आ गया पुलिस और इसको गिरफ्तार करके ले गया और थाने में एक महीना तक रखा एक महीना तक थाने में रखा सर मंटू रेली पूछता था सर हमको क्यों रखे हैं न मंटू को कुछ बता रहा है न मंटू के परिवार वालों को कुछ बता रहा है क्यों सर हम स्टेट हैं पुलिस स्टेट है पावरफुल है कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है एक बात बताओ क्या किसी भी समाज के लिए अच्छा है नहीं सर बहुत खराब है और यही चीज देखा गया सर हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 22 के तहत आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और आपको एक दिन के अंदर अंदर एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल यू हैव टू टेक यू हैव टू टेक दूस टू दजिस्ट्रेट आपको एक दिन के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना करवाना पड़ेगा को सर, एक बात बताओ अगर ये फंडामेंटल राइट right नहीं होता अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होता तो पुलिस जो मन में आ, आ रहा है वही करता ना पुलिस के मन में जो आ रहा है शायद वो वही करता अगर ये फंडामेंटल राइट right नहीं होता है तो अगर हमारे पास ये फंडामेंटल राइट right है इसीलिए हम लोग पुलिस से पूछ सकते हैं कि काहे रखा तुम मंटू को एक महीना तुम क्यों रखेगा मंटू को एक महीना पूछ सकते हैं ना सर क्यों क्योंकि वी हैव फंडामेंटल राइट सर क्या हो रहा है फंडामेंटल राइट right क्या करने की कोशिश कर रहा है तो फंडामेंटल राइट right जो है वो स्टेट से बचा रहा है किसको लोगों को स्टेट से बचा रहा है लोगों को ज इट क्लियर टू एवरी वन क्या फंडामेंटल राइट right का काम है यह समझ में आ रहा है इसीलिए हम लोग कहते हैं इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट आर देंटीड राइट विच आर Provided to the people, which are provided to the people so that they can use these rights against the state. for their or for human existence, human existence. so this is the definition of fundamental right. Fundamental right जो है वो guaranteed right है, जो कि लोगों को दिया जाता है, ताकि लोग इसको use कर सकते हैं against the state. जब state उनके खिलाफ कुछ करे, तो fundamental right का use करके लोग स्टेट से पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है और फंडामेंटल राइट right जो है ये हेल्प करता है लोगों को 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 उनके में अब एक एक बात मंटू को, मंटू को गिरफ्तार करके ले गया पुलिस महीने और इसका लाइफ डिस्टर्ब ना हो इसीलिए तो हमारे पास क्या है फंडामेंटल राइट right है और इसी फंडामेंटल राइट right से आप पूछ सकते हो पुलिस से कि तुम हमको क्यों रख रहा है हमको लॉयर क्यों नहीं लेने दे रहा है इज इट क्लियर फंडामेंटल राइट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया आप लोग को फंडामेंटल राइट right का बैकग्राउंड समझ में आया आपको फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आया आपको इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसी चर्चा को आगे लेके चलेंगे आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया ठीक है ये जो इंट्रोडक्शन क्लास था ये समझ में आया ठीक है इस चीज़ को और भी बेहतर हम समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में आप इस चीज़ को और बेहतर समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं उस चीज़ को रिवाइज करें और आ, कोशिश करें कि अपना दिमाग चलाए फॉर एग्जाम्पल दिमाग चलाने का मतलब क्या है अपने आप चीज़ों को सोचे देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता समझदार होना इंपॉर्टेंट होता है ठीक है जब तक आप समझदारी नहीं दिखाओगे ना तब तक कोई काम नहीं आएगा ठीक है आप एक ग्रेजुएट हो और आप कोई ना कोई रिस्पेक्टेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कोई बीपीएससी के लिए कर रहा है कोई जेपीएससी के कर रहा है कोई यूपीएससी के लिए कोई कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है अब सुनना सुनना ध्यान से आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आप सक्सेड होना चाहते हो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरा जैसा कैंडिडेट उस एग्जाम को क्रैक करके उस कुर्सी में बैठने लायक है जिस कुर्सी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है सर आपको चीजें आएंगी माइंड में कि मेरे पास रैशनल थिंकिंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है समाज में कोई भी रायट्स होते हैं रिलीजन के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर आपका रैशनल थिंकिंग नहीं होता होगा आप लोग रैशनली नहीं थिंक कर पाते होंगे आपका धर्म क्या है उस धर्म के हिसाब से आप उस राइट को देखेंगे सर आपके हिसाब से वो आदमी सही था कि गलत था उस हिसाब से आप देखेंगे दिस दिस इज नॉट नॉट अ रैशनल रैशनल थिंकिंग थिंकिंग ब्यूरोक्रेट शुड थिंक इन मैनर आपके पास का पावर होना चाहिए आप चीजों को रैशनली सोचना आना चाहिए आपको दैट इज मीनस इसी का मतलब होता है सर सोचना समझना चीजों को चिंतन करना सो so, कोशिश करो कि चीजों को सोचे समझदार बने और उसी से क्योंकि देखो वो समझदारी आपके पास आएगी तब अगर वो आ गई ना वो समझ आ रही तो आप चीजों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे इंटरकनेक्ट करने से आंसर बहुत अच्छे लिखे जाते हैं ठीक है थैंक यू सो मच अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वरना आज का क्लास यहीं भी खत्म होता है थैंक यू सो मच